उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने के साथ ही यूपी की योगी सरकार के द्वारा कृष्ण की नगरी मथुरा के दो धार्मिक स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित करने का शासनादेश जारी कर दिया था, जिसके चलते एक धड़े में खुशी की लहर तो दूसरे धड़े में इसको लेकर आक्रोश पनप उठा। दरअसल योगी सरकार के द्वारा वृंदावन और बरसाना को तीर्थ स्थल की श्रेणी में लाकर घोषित कर शासन आदेश जारी कर दिया गया, इसी को लेकर जनता में योगी सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसी विषय पर हिंदूवादी नेता और श्री कृष्ण जन्मस्थल के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी का कहना है कि हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, किंतु शासनादेश में बरसाना को राधा की जन्मस्थली और वृंदावन को कृष्ण की स्थली बताया गया है, जबकि राधा की जन्मस्थली रावल गांव है, जिसको सांसद हेमा मालिनी ने गोद लिया हुआ है, और कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है। दोनों ही गलत दर्शाई गई हैं और दोनों ही क्रीड़ा स्थली हैं, ना कि जन्मस्थली। इन स्थानों की पहचान मथुरा से है, ना कि वृंदावन और बरसाना के नाम से मथुरा को जाना जाता। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष तेजवीर सिंह का कहना है कि हम यह मांग राजनाथ सिंह के समय से करते चले आ रहे थे, जिसको अब योगी सरकार ने पूरा किया है। विपक्षी जनता को भ्रमित कर रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजी कर जनता को बरगला रहे हैं। आने वाले समय में पूरे मथुरा को तीर्थस्थल घोषित किया जाएगा। स्थानीय नागरिक रमेश पंडित और सामाजिक कार्यकर्ता मनोज चतुर्वेदी का कहना है कि सरकार के द्वारा चुनाव को देखते हुए यह फैसला किया गया है। मथुरा की छवि को धूमिल करने का प्रयास है, पूरे मथुरा को ही तीर्थ घोषित करना चाहिए। गोकुल बलदेव गोवर्धन नंदगांव क्या धार्मिक स्थल नहीं? यहाँ करोड़ों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं, इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यह है कि जो शैलजागंज मिश्रा जी ब्रिज विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं, मथुरा के उपाध्यक्ष, उनके द्वारा ये कहा गया है कि वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। पहले तो उन्होंने गलत रिपोर्ट बना के ही भेजी है उन्होंने। दूसरा, वृंदावन जो है राधा रानी की कर्मस्थली है, बरसाना राधा रानी की कर्मस्थली है, रावल जो है राधा रानी का जन्मस्थान है। हमको इनसे एतराज़ नहीं है कि वृंदावन और बरसाना क्यों कर दिया गया। मथुरा की मेन जो है मथुरा है, मथुरा में ही सारे जिले आते हैं, मथुरा को ही करना चाहिए तीर्थ स्थान, जिससे कि सब जगह सब तीर्थयात्री मथुरा आए और उनकी सभी तरह की व्यवस्था मथुरा से चले। मेरा कहना ये है कि मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है और वृंदावन में उनकी क्रीड़ा स्थली रही है। जन्मस्थली ना करके क्रीड़ा स्थली करना न्यायोचित नहीं है, अच्छा नहीं है। मथुरा को जन्मस्थली तीर्थस्थल घोषित करना था और ये तीर्थ स्थल मथुरा घोषित न करके वृंदावन किया है। इसी तरीके से बरसाने का जो जन्मभूमि बोला गया है, तो रावल जन्मभूमि है भगवान राधा रानी की हमारी की, और हमारा यही कहना है कि बरसाने को, मथुरा को, रावल को, गोकुल को, इस जगह को अगर किया जाए तो सब तीर्थ स्थल तो सही है, और ये दो जगह का करना हमारे लिए तो सही नहीं लगता है। देखिए, तीर्थ स्थल घोषित करने की प्रक्रिया पुरानी मांग होती रही। वृंदावन में जब राजनाथ सिंह जी CM थे, आपको पता होगा जी, तब भी वहाँ के संत समाज ने, वहाँ के सभ्य नागरिकों ने, सब ने वृंदावन की ये मांग की थी कि वृंदावन तीर्थ स्थल घोषित हो। डिमांड मथुरा की भी है। अब बरसाना और वृंदावन को सरकार ने लिया है, आगे देखते जाइए। लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे विरोधी दल हैं, कि मथुरा भी पहले होना चाहिए था, मथुरा हो जाता, वृंदावन की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये सब विरोध की बात है। निश्चित रूप से ये कार्रवाई मथुरा में होना प्रारंभ हुआ है और वो दिन दूर नहीं जब मथुरा भी तीर्थ स्थल की श्रेणी में आने वाला है। तीर्थ पुरोहित महासभा ने भी मांग करी है कि संपूर्ण मथुरा को भी किया जाए। गोवर्धन भी आता है, दाऊजी महावन बलदेव भी आते हैं, तो इनको भी रखना चाहिए। देखिए, शुरुआत मैंने कहा ना, शुरुआती कदम है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें होने वाली हैं। प्रदेश सरकार इस ओर अपना एक तरह से कहा जाए कि कदम बढ़ा चुकी है। अब एक साथ सब होना, आगे मथुरा है, गोकुल है, क्योंकि ये तो ऐसी जगह है भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, तो यहाँ इन तीर्थ स्थानों का ध्यान तो विशेष कर वैसे भी रखा जाएगा, और फिर जनता की जो भावना है उसका सम्मान हम लोग कराने का प्रयास हमारा भी रहेगा और सरकार का भी प्रयास।